केथल के सीवन और उसके आसपास के गांव के हजारों लोगों ने तीनों कृषि कानूनों के विरोध में अनाज मंडी सीवन से ट्रैक्टर और बाइक यात्रा निकाली, जो सीवन से केथल होती हुई थाना टोल प्लाजा पर पहुंची। आपको बता दें कि जिले में तीनों कृषि कानूनों का जबरदस्त विरोध हो रहा है। इसको लेकर जगह जगह पर किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा किसानों को 26 जनवरी को सरकार के समांतर होने वाली ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पहुंचने का भी आह्वान किया जा रहा है। और आज केथल के सीवन कस्बे के हजारों किसानों ने अनाज मंडी में एकत्रित होकर मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर यात्रा निकाली और सरकार को एक बार और संदेश दिया है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। अगर तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तब तक किसान नहीं मानेंगे। किसान अपनी मांगों को लेकर के लगातार अड़े हुए हैं। तो किसानों को लगातार समर्थन भी मिल रहा है, देखा जाए तो मोटरसाइकिल यात्रा भी निकाली गई है। अब वही आपको बता दें कि सीएम की अब से थोड़ी ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक होने वाली है। बड़ी जानकारी ये मिल रही है, थोड़ी ही देर में वित्त मंत्री के साथ सीएम की बैठक होगी। दिल्ली में मौजूद है मुख्यमंत्री मनोहर लाल। आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बैठक होगी और बताया जा रहा है कि कई मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी। और वहीं शाम 5 बजे पीयूष गोयल से भी मुख्यमंत्री की आज बातचीत होगी। बताया जा रहा है कि कई तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज चर्चा होगी। बजट को लेकर वित्त मंत्री से बातचीत होगी और अब थोड़ी ही देर में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बातचीत होगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।